15 जनवरी को मकर संक्रांति और हिंदू धर्म में लोग मकर संक्रांति को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, इसका क्या महत्व है? इसी को जानने के लिए पहुँचे आज मंदिर के पुजारी हमारे साथ है। पंडित जी, लगातार लोग मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं, क्या उद्देश्य है इसका? राधे राधे। देखो, संक्रांति साल में 12 आती हैं, जिसमें मकर की संक्रांति जब धनुराशि में सूर्य जब आता है तो और मकर में प्रवेश करता है, जब मकर में जब प्रवेश करता है 14 जनवरी को या 15 जनवरी को, तो उसमें मकर की संक्रांति कहलाती है। इसलिए मकर की संक्रांति इसलिए कहलाती है कि मकर का स्वामी ही शनि, जब शनि न्यायाधीश पद मिला हुआ है, जब पुण्य करके, जब गुरु ज्ञान दे करके और शनि के मार्ग के इसमें जाता है मकर, तो इसलिए यानी कि दान पुण्य की गति बढ़ जाती है, पूजा की गति बढ़ जाती है। क्यों? शनि न्यायाधीश है, तो परमात्मा की कृपा से एक समय जब भगवान विष्णु ने जब असुरों का सहार किया था, दैत्यों का सहार किया था, सभी वो सिर जो है उसमें समुद्र में फेंक दिए गए, और समुद्र जब फेंक दिए गए थे तब देवताओं ने फूल बरसाया था और देवता अर्चना करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। इसलिए मनुष्य जन्म पा करके हमें पूजा पाठ दान पुण्य करना चाहिए, जिसे धर्मेण राज्यम लभते ही मनुष्य स्वर्गे च धर्मेण नरः प्रयाति, आयुष्य कीर्ति न तपस्य धर्मम धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य। धर्म करने से, पूजा पाठ करने से हमें आयु यश कीर्ति और बल प्राप्त होता है और राज्य प्राप्त होता है, इसलिए पूजा पाठ करना अनिवार्य है मकर की संक्रांति में। दान पुण्य करना भी अनिवार्य होता है मकर की संक्रांति में। इसलिए रही बात 14 जनवरी की, लोकाचार में कभी गति सूर्य की गति अनुसार धीमी चलने के कारण 15 तारीख को भी हम संक्रांति मना सकते हैं। इसलिए अब की बार जो 15 तारीख को संक्रांति जो रात्रि को 2:44 पर रात्रि को मकर में प्रवेश कर रही है, धन से निकल करके और मकर में प्रवेश कर रही है, इसलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी को उदय तिथि में मनाई जाएगी। लगातार लोग दान भी करते, पुण्य भी करते, शुभ माना जाता है, किस तरह से मनाना चाहिए हमें मकर संक्रांति? दान पुण्य करने से, मैं बता रहा हूँ कि पूजा पाठ भगवान शनि की जो हुए ना मकर में, जब शनि का स्वामी होने के कारण, और मकर और कुंभ ये दो महीने जो होता है संक्रांति, सूर्य जब आता है शनि में और मकर, सूर्य जब शनि में प्रवेश करता है तो सूर्य का पुत्र है शनि, तो शनि जब उसका अपने पिता का कहना नहीं मानता है तब ये उल्टे कर्म करने लग जाता है पिता के अनुकूल। जब पिता के अनुकूल जब करता है तो जब पूजा पाठ जब मनुष्य करेगा, सूर्य भगवान को जल देगा और परमात्मा को याद करेगा, हनुमान जी को याद करेगा, राम जी को याद करेगा, माँ शक्ति दुर्गा को याद करेगा आदि, श्री श्याम देवा आदि अन्य देवताओं को याद करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तो सूर्य वहाँ पर दब जाता है। इसलिए सूर्य भगवान की कृपा से फिर शनि कुछ नहीं करता उसका, और दान पुण्य से वो है आगे बढ़ता चलता है, प्रगति करता है। तो लगातार हमें जो मकर संक्रांति का त्यौहार है तो किस तरह से मनाना चाहिए, हमारे एक बार दर्शकों को बताइए कि किस तरह से हमें सुबह किस तरह से पूजा विधि करनी चाहिए। देखो, सुबह उठ करके परमात्मा का चिंतन करो, यानी कि अपने हाथों की हस्तरेखाओं को देखो, सुबह उठते ही पृथ्वी माता को प्रणाम करो और अपने अपने पिता कुल अपने माता पिताओं को चरण स्पर्श करो और पूजा पाठ नहा धोकर स्नान इत्यादि करके भगवान का अपने गुरु का ध्यान करो, चिंतन करो परमात्मा का, और अपने फिर कार्य करो, अपने जो कर्म बताया है उस कर्म को करो, अपना पूजा पाठ करके, अपना दान पुण्य करके, अपना नित्य अपना ये कर्म करना चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरह से पंडित जी ने बताया है कि मकर संक्रांति हमें किस तरह से मनानी चाहिए, क्या कुछ महत्व है, ये हमें पंडित जी ने जानकारी पूरी दी है। जितेंद्र बेनीवाल, लोकल 18, फरीदाबाद।